लोकतंत्र के इस महापर्व में ग्रामीण मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या देखी जा सकती है। इस समय हम खड़े हैं अनगढ़ा में, जो खिचड़ी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। रांची संसदीय सीट पर खिचड़ी विधानसभा क्षेत्र के 133 नंबर ये बूथ है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय मसनिया अनगढ़ा ये यहाँ पे वोटिंग हो रही है। और अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और 12 बजने के साथ ही जो मतदाताओं में वो उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मतदाता काफी संख्या में यहाँ पर घरों से बाहर निकलकर अपना मतदान करने के लिए कतारों में पंक्तिबद्ध होकर वोटिंग करने जा रहे हैं। और ऐसे में कुछ मतदाताओं से भी बात करते हैं कि उनका मिजाज क्या है, किस तरह से वो वोट करना चाहते हैं। इस बार वोट किस मिजाज से आप लोग कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार बताइए, क्या मुद्दे हैं इस बार? जो मुद्दे हैं सब ठीक ठाक है, ये तो रात की बात है, किसे बताएं आपको? अच्छा उम्मीदवार को अच्छा है इस बार, बना है इस बार अच्छा उम्मीदवार। कैसा उम्मीदवार अच्छा होता है जो आगे भविष्य में हम लोग के लिए कुछ करे, कुछ करे, कुछ करे भविष्य में, ये ऐसा उम्मीदवार ये चुनना चाहते हैं। महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं पंक्तिबद्ध होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। एक महिला है, बुजुर्ग महिला, उनसे जानते हैं। वोट वोट कर रही हैं आप? वोट दे रही हैं? वोट देवे है, ये तो का कर आई? अच्छा वोट देने आए हैं। वोट वोट के लिए कितनी देर से खड़ी है? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा जी। क्या मुद्दे हैं इस बार वोटिंग का, जो पैटर्न है, किस पैटर्न पर वोटिंग कर रहे हैं? क्या बोलते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहिए? अच्छा अच्छा प्रत्याशी चाहिए। आप पहली बार वोट कर रही हैं? हाँ। क्या मुद्दे हैं इस बार, कैसे कैसा उम्मीदवार चुनना है? चुनना अच्छा है, अच्छा उम्मीदवार चुनना। क्या चाहिए उस उम्मीदवार से, क्या अपेक्षाएं? क्या चाहिए? ये तस्वीरें हैं, देखिए आप इन तस्वीरों में जो वोटिंग कर रहे हैं लोग, और वोटिंग करने के साथ ही अच्छे प्रत्याशी को इस बार चुनना चाहते हैं। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए तमाम लोग लगे हुए हैं। आप कैसा प्रत्याशी चुन रहे हैं इस बार? अच्छा वाला चुन रहे हैं। अच्छा वाला, अच्छा वाला चुन रहे हैं। कैसा होता है अच्छा वाला? अच्छा वाला कैसा रहेगा, जो साथ देगा, जो हमारे अभी मतलब काम करेगा उसको, काम करेगा। हाँ। कैसा वो प्रत्याशी चुन रहे हैं? अच्छा वाला चुन रहा है सर। अच्छा वाला। हाँ। कैसा अच्छा होता है? जो हम लोग का पूरा साथ देगा। अच्छा, आगे पीछे जो हम लोग को सपोर्ट दे रहा है उसी को चुन रहे हैं हम लोग, उसी को चुन रहे। हाँ। कौन सपोर्ट देगा? सपोर्ट जो सरकार बनाए उसी को ना देंगे हम लोग, जो हम लोग सरकार हमको देगा वो सपोर्ट, वही सरकार को चुन रहे हैं पूरा पब्लिक हम लोग। अच्छा, पूरा पब्लिक उसी को चुन रहे हैं। हाँ बताइए, कैसा प्रत्याशी इस बार चुन रहे हैं? हम लोग तो कांग्रेस से यशस्विनी साय जी को चुन रहे हैं, और हम लोगों का प्रयास है कि उनको भारी मतों से विजय बनाए। और यशस्विनी साय जी को पूरे अभी कई लोग वोटिंग कर रहे हैं, खासकर इस बूथ से। क्यों चुनना चाहते हैं? क्योंकि देखिए पूर्व में सांसद संजय सेठ जी रहे, लगातार वे तो विकास के कार्य तो एक भी किए नहीं, लगातार हिंदू मुस्लिम करके एक धर्म से दूसरे धर्म को, एक जात को दूसरे जात से लगातार वे लड़ाते रहे, जिससे इस क्षेत्र का जो माहौल है बिल्कुल गंदा हो गया है। हम लोग की मानसा है कि इस बार संजय सेठ को भारी मतों से हराना है और यशस्विनी साय को जिताना है। आप किस पैटर्न पर वोट कर रहे हैं सर? जैसे कि मतलब जो अच्छा करेगा उसी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं। कैसा प्रत्याशी चुन रहे हैं इस बार? अच्छा मिलेंगे, अच्छा चुनेंगे। मतलब क्या चाहिए उनसे प्रत्याशी? चलाना अच्छा बढ़िया से चलाएगा वैसे को ना चुनेंगे, जो अच्छा से चलाएगा। अच्छा अच्छा ठीक। कैसा प्रत्याशी चुन रहे हैं आप? हम अच्छा प्रत्याशी चुनने का कोशिश कर रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो लग बात है। इस बार सोच रहे हैं कि चेंजिंग हो किया जाए, चेंजिंग किया जाए, चेंजिंग किया जाए। और इतना हम लोग का इतना लॉस हो गया है सरकार को रख के, कि हम लोग का सहारा में इतना इतना पैसा डूब गया, कोई ध्यान ही नहीं है सरकार। ये सरकार ऐसा है कि मोटा पार्टी के लिए सरकार बना हुआ है, हम लोग को जो नीचे वाला स्तर के लिए सरकार ध्यान नहीं देती है।
सरकार ध्यान नहीं दे रही आरोप है, और एक तरह से कहा जाए कि मतदाता अपने अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। मतदाताओं की ओर से कई अपेक्षाएं हैं, वहीं मतदाताओं की काफी संख्या में उपस्थिति भी लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है। ग्रामीण मतदाताओं में जिस तरह का रुख देखने को मिल रहा है, वो रुख वाकई में कहीं ना कहीं सारी मतदाताओं को प्रेरित करने वाला है। और ऐसी स्थिति में जब ग्रामीण मतदाता अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकल कर वोटिंग कर रहे हैं, तमाम काम काज को छोड़कर पहले वोटिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं, वैसी स्थिति में शहरी मतदाताओं की बेरुखी शायद लोकतंत्र को कमजोर करती है। और यही आज का सबक होगा कि शहरी मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर अगर वोट करते हैं तो लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, अनगढ़ा, खिजड़ी, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।